हे गाइस, आज मॉर्निंग में उठी तो बारिश बहुत हो रही है। क्या आपकी भी सिटी में बहुत बारिश हो रही है? ऑनलाइन मैंने एक बहुत अच्छी ट्रिक देखी है स्विस रोल बनाने की, और वही मैं आज बनाने वाली हूँ। उसके लिए बस एक चीज चाहिए, वो है ओरियो का पैकेट। स्टोर से मैं एक मिनी स्विस रोल का पैकेट भी उठा लाई थी ताकि हम दोनों को कंपेयर कर सके। चलो फिर इसको खोल के देखते हैं कि अंदर क्या है। ये एक आम सा दिखने वाला स्विस रोल है, बीच में इसमें क्रीम की फिलिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चीज़ के लिए बस हमें एक 10 रुपए का ओरियो का पैकेट चाहिए। ये 3 बिस्किट्स काफ़ी रहेंगे हमारे इस काम के लिए। इन बिस्किट्स को खोल के हम इसकी क्रीम अलग कर देंगे और उसको अलग से रख देंगे। क्रीम को हटा के जो बिस्किट्स बचे हैं हम उसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इस काम के लिए मैं कोई भी ग्राइंडर नहीं यूज़ करने वाली हूँ, ये जिंजर क्रशर काफ़ी रहेगा। 1 मिनट में ही पाउडर फॉर्म में बन गया। अब इसमें हम थोड़ा सा मिल्क ऐड करके और इसको ब्लेंड कर देंगे। हमारे स्विस रोल के लिए छोटा सा डोर तैयार हो गया है। मेरे पास एक छोटा सा जिप लॉक पाउच पैक पड़ा हुआ था तो उसको मैं यूज़ करूँगी इसमें। इस प्लास्टिक बैग के अंदर हम इसको पूरी तरीके से स्प्रेड कर देंगे। जितनी पतली लेयर हो सकती है उतनी पतली लेयर बना देंगे। इसको आधे घंटे ड्राई करने के लिए रख देंगे। इसके बाद इसको सीजर से काट लेंगे। अब ये पूरी तरीके से हो गया है ड्राई, तो हम इसके प्लास्टिक की लेयर निकाल के इसको थोड़ा सा कट कर लेंगे जितनी हमें स्विस रोल की लेंथ चाहिए। स्टार्टिंग में जो क्रीम हमने अलग की थी उसको हम इसके ऊपर पूरी तरीके से स्प्रेड कर देंगे। अब नाम है स्विस रोल तो रोल करना तो बनता है ना, तो जल्दी से कर देंगे हम इसे रोल और बन गया होममेड स्विस रोल। चलो अब दोनों को खा के देखते हैं कौन सा बेस्ट है। सबसे पहले मैं ट्राई करूंगी जो मैं स्टोर से लेके आई थी, वो स्विस रोल। पता है पैकेज फूड में क्या प्रॉब्लम होती है कि ये थोड़े से ड्राई होते हैं क्योंकि इनको प्रिजर्व करना पड़ता है लंबे टाइम के लिए। अब मैं टेस्ट करूंगी अपने हाथों से बना हुआ स्विस रोल, क्योंकि ये मैंने बनाया है तो ये बेस्ट है। आप अपने घर में ये जरूर ट्राई करना।